यूपी के बुलंदशहर में अराजक तत्वों का एक कारनामा सामने आया है। यहाँ कुछ अज्ञात लोगों ने एटीएम बूथ में घुसकर उसमें अलग से कैमरा लगा दिया। मामले की जानकारी के बाद बैंक प्रशासन ने पुलिस को सूचना दी, जिसके बाद पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर मामले की शिनाख्त में जुट गई है। जैकेट पहने हुए है और एक आदमी बाहर खड़ा रहा है गेट पे, वो भी कैप लगाए हुए है। तो उन्होंने एक तो जो कार्डिनेटर पे एक डिवाइस सिस्टम डिवाइस होती है वो लगाई और एक कैमरा उस कीबोर्ड के ऊपर लगाया हुआ था। उसके बाद में दो तीन लोग आए, कुछ जो ट्रांजेक्शन नहीं हो रहा था तो हमारे जो केयर टेकर है उसने बताया कि ये ट्रांजेक्शन नहीं हो रहा है, तो हमने उससे कह दिया बंद कर दिया। तो उसने कभी नेटवर्क प्रॉब्लम होगी तो बंद कर दिया एटीएम को। तो एटीएम दिन भर सारे दिन बंद रहा। फिर 5 बजे करीब उसको एटीएम को खोला तो जो पहले कस्टमर गए एक हस्बैंड वाइफ, तो उनका भी ट्रांजेक्शन नहीं हो रहा था। उन्होंने थोड़ा सा इधर उधर हिला डाला के देखा तो उसमें एक डिवाइस हुआ, उसमें बैटरी वो नीचे गिरी। तो उनको शक हुआ, तो उन बाहर लोगों को बताया, तो किसी ने हमारे केटे को बताया कि ऐसे के ऊपर लग रही थी बैटरी। हाँ, बैटरी की प्लेट के ऊपर लग, जहाँ की पैड होता है उसके ऊपर लग रही थी, जिससे कि वो पासवर्ड को रीड कर सके। तो जब उसको बताया तो फिर हमने जो उसको फिर बंद करा दिया गेट में अपना, उसका शिकायत आपने पुलिस में? हाँ, हमने पुलिस में शिकायत कर दिया। उसमें कुछ फ्रॉड लोगों ने एटीएम के अंदर स्कैनर, कार्ड स्कैनर लगाने की कोशिश की गई, जिसको जो है बैंक के कर्मचारियों और पुलिस की तत्परता से उसको देख लिया गया और कोई फ्रॉड नहीं हो पाया। फुटेज के आधार पर कार्रवाई की जाएगी उसमें।